गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, पापा के 10 दिन कहां से कहां निकल गए, यूं आए यूं चले गए, पता ही नहीं चला। बट मज़ा बहुत आया सबको। अब मैं विसर्जन का वीडियो दिखाने वाला हूं कि विसर्जन में हमने क्या क्या किया था। छोटा सा वीडियो बना होगा तो देख लो। तो इस साल का ये लास्ट आरती है। हम आरती करके फिर पापा को विदाई दे देंगे अपने घर। तो महाराज ने स्थापना हटा लिया है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने पापा को विदाई दे चुके हैं और यहाँ पे सब तैयार भी बहुत बढ़िया से चल रही है। देख सकते हो आप लोग कितनी बढ़िया सजावट, बहुत ही बढ़िया सजावट की है। थोड़ा जगह तो देखने के लिए। तो पूरे गली वालों ने मिल के इस गली को सजा दिया है फूलों से। देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये गली। तो यहाँ पे हम बापा को विसर्जन करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे फूल डाल के सजा दिया जा रहा है। कहाँ देखा यार, नहीं देखा था खड़ी भाई। हाँ वीडियो तो है। रियली गाइस, पूरे गली वालों ने बहुत ही मेहनत करके इस पूरे गली को सजा दिया है और हम लोग थे कि सोए थे 10-12 बजे तक। पिंकेश, जिगू, कट्टू और कुशु, इन चारों ने मिलकर मस्ती करते करते आसोपाला का तोरण बांध दिया था। फिर हम सब ने मिलकर बापा की मूर्ति को बाहर ले लिए ताकि पूरे सोसाइटी इनके साथ फ़ोटो खिंचवा सके और कोई जिसी को प्रार्थना करना हो वो प्रार्थना भी कर सके। तो सब ने हंसी खुशी से गरबा खेला और थोड़ा इमोशन भी हो चुके थे क्योंकि पापा जा रहे थे। तो लास्ट टाइम वजन गाने के बाद हम लोग ले चले बापा को विसर्जन के लिए। तो ठीक एक घंटे के बाद बापा का विसर्जन हो चुका है। तो वहाँ पे चल रहा है मंडप का काम, मंडप सब खोलने में लगे। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जीवन वा